नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम आज सुबह से लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अफसरों की टीम 2 से 3 गाड़ियों में उनके पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंची है। इधर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी, लालू और मीसा की पेश होने का आदेश दिया गया है। सुबह जब टीम राबड़ी के घर पर पहुंची तो उस वक्त बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन बाद में विधानसभा के लिए निकल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। पहले ये पूछताछ सीबीआई के दफ्तर में होनी थी, लेकिन बाद में उन्हें राहत देते हुए उनके घर पर पूछताछ करने की तैयारी की गई। सीबीआई ने मई 2022 में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों और परिजनों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में इस साल मई में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियां मीसा यादव और हेमा यादव के अलावा नौकरी पाने के बदले में कम कीमत में जमीन देने वाले कुछ अयोग्य उम्मीदवारों समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने 24 अगस्त 2022 को एक बार फिर से आरजेडी नेताओं के यहाँ छापेमारी की थी। लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम्स सामने आया था और नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था और सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार ने बिहार के 1,00,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस समय सर्किल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में अभी जेल से बाहर हैं। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जमानत मिली थी। सिंगापुर में बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दी थी और इस समय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर हैं।